दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच जारी तनातनी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जंग के कुक मोहम्मद नदीम ने अपने नवजात बच्चे को खोने के बाद दिल्ली सरकार के एक अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल निवास और दिल्ली विधानसभा के नजदीक स्थित अरुणा आशफ अली अस्पताल प्रशासन पर नदीम ने अपने बच्चे की मौत के लिए लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गुरुवार की रात 24 साल की उनकी पत्नी सबा बानो को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां डिलीवरी के वक्त उनके बच्चे की मौत हो गई। मोहम्मद नदीम उपराज्यपाल निवास में कुक का काम करते हैं। गुरुवार देर रात नजीब जंग के परिजनों ने भी अस्पताल पहुंचकर मामले में दखल दिया था। इसके बाद वहां हंगामा भी हुआ।